इस नई सीरीज में हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड्स की शॉर्टकट कीज़ के बारे में सीखेंगे और एमएस वर्ड को एमएस वर्ड के इस्तेमाल एमएस वर्ड को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, आप कैसे टेबल्स बना सकते हैं उसमें, कैसे एक बेहतरीन सब पेज बना सकते हैं, सर्टिफिकेट टाइप बना सकते हैं कुछ भी, तो हम इस वीडियो में वो देखेंगे। मैं ये सीरीज शुरू करूँगा आपसे जिसमें हम पूरा ही सीखेंगे कि आप एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं एमएस वर्ड में और बाकी सारी चीज़ें। इस वीडियो में आपको सिर्फ शॉर्टकट कीज के बारे में बताऊँगा। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे आप सबसे पहले रिफ्रेश कर लें सही जगह से और यहाँ पर खोलें आप चलें। आपको मैं ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिखा देता हूँ, आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम अभी मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि हम लिख लेते हैं अभी मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा बोल्ड करूँ और साइज़ बड़ा करूँ और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी निकालूँ। जैसे कि मैंने इस आई को मैंने कैपिटल कर देंगे, पहला जो लफ्ज़ होगा कैपिटल, उसके बाद इसको अगर मुझे बड़ा करना हुआ तो पहले मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा, ये ऐसे सिलेक्ट इधर से इसका मैं साइज़ बढ़ा सकता हूँ जितना है 18। समझा अगर मुझे सारों का 18 करना हुआ तो आप कीबोर्ड से कैसे यूज़ करें, इधर नए शिफ्ट दबाएं, उसके बाद एरो लेफ्ट एरो को दबाई जाए, ये बोला इसका साइज़ आप 18 कर दें। तो अब इसको अगर मुझे दरम्यान में करना हो तो मैं कंट्रोल ई आई थिंक ई से दरम्यान में आ जाएगा, एल से और आर से इधर ई से, और अगर मुझे इसको बोल्ड करना हो तो कंट्रोल कंट्रोल। अगर मुझे ना समझ आए तो मैं इसको पहले से सिलेक्ट किया, आपको अगर ना समझ आए इधर ये भी है, इसको बोल्ड में क्लिक करें, ये बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ से अगर मुझे इसको अंडरलाइन करना हो तो आप इधर प्रेस करें अंडरलाइन और इधर से आप इसको टेढ़ा कर सकते हैं। पाकिस्तान अभी मुझे इसको टेढ़ा नहीं करना, सिर्फ अंडरलाइन करना है ऐसे, और इस सबको मैं कैपिटल कर देता हूँ। कुछ भी लिख लेते हैं कोई और, कोई और अगर शुरू से हम करना चाहें जैसे कि कोई सा भी लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट या माइक्रोसॉफ्ट की जगह कंट्रोल ए कंट्रोल बी हम बढ़ा सकते हैं, इसका हम साइज बढ़ा लेते हैं 24 पे और कंट्रोल ई से। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि आप छोटे बहुत जो बहुत ही इस्तेमाल में आते हैं छोटे से शॉर्टकट कीज़ वगैरह, और बाकी हमने सीखा कि आप
कैसे टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और इनका फॉन्ट साइज कैसे बड़ा कर सकते हैं। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।